नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश गुप्ता, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आपसे बात करूंगा डाइट इन कैंसर प्रिवेंशन एंड इन पेशेंट ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर से प्रिवेंशन के लिए हमें क्या डाइट लेनी चाहिए और अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो हमें किस प्रकार की डाइट का ध्यान रखना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत घबराए होते हैं कि उनको कैंसर तो नहीं हो गया है, वो उबला खाना खाना शुरू कर दें या ये नहीं खाएं वो नहीं खाएं, तो ये सारे भ्रम मैं दूर करना चाहूँगा। पहले हम बात करते हैं कैंसर प्रिवेंशन के लिए। इट्स वेरी सिंपल, कैंसर प्रिवेंशन के लिए हमेशा अच्छी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छी डाइट से मेरा मतलब है मोर ऑफ द फ्रूट्स, मोर ऑफ द वेजिटेबल्स, फ्रेश थिंग्स। अगर हम हमारे डाइट में फ्रेश थिंग्स खाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें कम खाते हैं, तो हमें कैंसर के चांसेस कम होते हैं। हमारे डेली के खाने में फ्रूट्स का होना, सैलेड्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, दालें, मिल्क, कर्ड, ये चीज़ें जरूर से जरूर होनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो हमें नेचुरल विटामिन्स, मिनरल्स, एनर्जी, ये सब मिलता है। मिनरल्स और विटामिन्स हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, हमारे शरीर की इम्यूनिटी हमें कैंसर से प्रिवेंट करती है। कैंसर कैसे बनता है? जैसे हमें हर रोज़ इंजरी होती है, डेली हमारे सेल्स रिप्लेस होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल डेली डेड होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल डेली बनते हैं, यानी शरीर में कोशिकाएं खत्म होती हैं, बनती जाती हैं, तो एक साइकिल चलता रहता है। इस साइकिल के दौरान अगर कोई भी सेल जो कि डेली बन रही है अगर वो ख़राब होकर बढ़ना शुरू कर देती है, यानी कि वो बढ़ती जाती है और कहीं रुकती नहीं है, तो वो कैंसर बन जाती है। तो उस सेल को, यानी कि हमें कहीं चोट लगती है तो उसका घाव भरता है, तो घाव भरने के बाद रुक जाना चाहिए वहाँ पे। इस चीज़ का रोकथाम हमारी इम्यूनिटी करती है। अगर हमारी इम्यूनिटी ख़राब हो जाती है तो वह कैंसर का रूप ले सकती है। तो बात आती है इम्यूनिटी पे और अच्छी डाइट पे। इम्यूनिटी को अच्छा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें मिनरल्स और विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो जो फ्रेश सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे मात्रा में होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। दूसरे अगर इसका अपोजिट लें तो जो प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं इनके अंदर होते हैं कार्सिनोजेंस, जैसे स्मोक्ड फूड, प्रिजर्वेटिव फूड्स, सॉल्टेड फूड, रेफ्रिजरेटेड फूड्स और जैसे सीजलर्स, इनके अंदर स्मोक्ड होते हैं ये सब चीज़ें, इनके अंदर कार्बन पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, स्मोक्ड होने की वजह से इनमें कार्सिनोजेंस की मात्रा ज़्यादा होती है। कार्सिनोजेंस का अर्थ है वह पार्टिकल्स जो कैंसर्स को बढ़ावा देते हैं, सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं कि वो कैंसर बनने में उनका योगदान होता है, इनको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। तो जो प्लास्टिक में रखी चीज़ें हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, स्मोक्ड हैं, नाइट्रस पार्टिकल्स हैं, नाइट्रोजन वाली चीज़ें हैं, ये सब क्या है, प्री कैंसरस होते हैं। तो ये इन चीज़ों से बचना चाहिए, यानी कि हमें प्रिजर्वेटिव्स, बासी खाना, पुराना खाना, पैक्ड थिंग्स, प्लास्टिक में रखा हुआ खाना, प्लास्टिक बोतल में रखा हुआ पानी, ये सब नहीं लेना चाहिए, ये सब कैंसर को बढ़ावा देते हैं। कार्सिनोजेंस कम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा, वी विल प्रिवेंट आवर कैंसर्स। अब बात करते हैं अगर किसी को बॉडी में किसी हिस्से का कैंसर डिटेक्ट होता है। कैंसर ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर, जैसे मैंने बताया था, सेल्स प्रोलिफरेट करती हैं, यानी मल्टीप्लाई करती हैं, बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो उसमें बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर शरीर के किसी हिस्से में कैंसर बनता है तो उसको बहुत सारा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अगर वह कैंसर सारी एनर्जी ले लेगा तो हमारे नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए हमारे शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। कैंसर से फाइट करने के लिए शरीर के अंदर अच्छे प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए, यानी कि कैलोरीज अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी को कैंसर होता है तो उसका ट्रीटमेंट कराएंगे, ट्रीटमेंट कराने के लिए जो दवाइयां हैं या सर्जरी करना है तो, या रेडियोथेरेपी करना है, तो पेशेंट को बहुत अच्छी हालत में होना ज़रूरी है। अगर पेशेंट कमज़ोर होगा तो वह ट्रीटमेंट को झेल नहीं पाएगा। ट्रीटमेंट को झेलने के लिए चाहिए कि पेशेंट की फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी हो। फिजिकल फिटनेस के लिए सबसे बढ़िया ये है कि हम हाई प्रोटीन डाइट लें, हाई एनर्जी डाइट लें, एंटीऑक्सीडेंट्स लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, विटामिन्स लें, और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है, डाइट को कभी भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि खाली दवाइयां से हमारा कैंसर ठीक हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कैंसर प्रिवेंशन के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हमें अच्छी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स वाली डाइट, हाई कैलोरी डाइट, प्रोटीन डाइट ये लेना चाहिए, प्रिजर्वेटिव्स, फास्ट फूड्स, सॉल्टेड, रेफ्रिजरेटेड, पैक थिंग से बचना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जानकार बनिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।